जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत खास कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं जो कि शनि के बारे में, शनि बकरी कब हो रहे हैं, अभी मार्गी चल रहे हैं। शनि का बकरी होना व्यक्ति के लिए वरदान साबित होता है, जैसे कि जन्म के समय भी आपका बकरी शनि है तो आपको रंग से राजा बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि से डरे मत, शनि एक जज है, गॉड है, मजिस्ट्रेट है, जैसा भी भोगे वैसा काटोगे। अब इसमें 23 मई 2021 से शनि बकरी हो जाएंगे 14:50 यानी 2:50 से शनि बकरी हो जाएंगे 23 मई 2021 से। ये बकरत की बकरी रहेंगे जिसमें बकरी का फल अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसकी राशि में शनि मार्गी है जन्म के समय उनके थोड़ा रुकावट लाएगा, और जिसके समय जन्म के समय शनि बकरी है उनके लिए लाभदायक रहेगा और योगकारी रहेगा, ऐसा पराशर का मत है। अब हम जानते हैं मेष राशि वालों के लिए शनि का बकरी कैसा रहेगा और इन भाव में कंडीशन क्या रहेगी। मेष राशि के लिए शनि आयेश कर्मेश होते हैं, यानी कर्म के दाता और आय के दाता होते हैं, तो बताना चाहता हूँ कि आप शनि की पूजा करें, शनि की ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपके आय और कर्म में आपको सफलता मिलेगी और आपको शनि पॉजिटिव फल देने की कोशिश करते हैं और सदा करते रहेंगे। हालांकि मेष राशि में शनि नीच का होता है लेकिन तब भी आपके लिए शुभ माना जाता है। वृषभ राशि में शनि भाग्येश कर्मेश होते हैं, लग्न के हिसाब से उनके स्वामी मित्र होते हैं शुक्र शनि, तो आपके लिए कर्म का भाग का सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का जो है भाग्येश अष्टमेश होते हैं और मित्र होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ में कोई दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा। कर्क राशि के लिए शनि मार्गेश होते हैं और लग्न के हिसाब से मार्केट्स होते हैं, तो आपके लिए क्या थोड़ा हेल्थ में दिक्कत दे सकते हैं, जैसे कि घुटनों में परेशानी, पेट में, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहेगी। उससे आप शनि के लिए एक कटोरी में तेल लें, उसमें सिक्का डालें, अपना चेहरा देखें और शनिवार के दिन पीपल के नीचे छोड़ेंगे तो उससे आपके शनि बलिष्ठ होंगे और मार्केट्स का दोष समाप्त हो जाएगा, सोता है। सिंह राशि वालों के लिए शनि मार्केश होते हैं, इनके लिए भी शनि का प्रभाव थोड़ा अच्छा रहने वाला नहीं है, बकरी होने पर विस्फोटक करेगा क्योंकि शत्रु है और मार्केश है, तो ऐसे में एक तेल की कटोरी लें, उसमें सिक्का डालें, अपना चेहरा देखें और शनिवार के दिन जो है ना पीपल के वृक्ष के नीचे तेल को छोड़ें या किसी को दान दे दें, उससे शनि का प्रभाव बना रहेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, कन्या लग्न में पंचमेश सुखेश होते हैं, षष्ठेश होते हैं या सुमित्र होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो आपकी रुकावटें आ रही थी उनको जो है ना शनि पूरा करेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देगा। तुला राशि वालों के लिए शनि की जो गति है वो मित्र राशि होती है, पंचमेश और सुखेश होते हैं शनि, ऐसी कंडीशन में जो सुख होता है लग्जरी का सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मकान ले सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में जो कंपटीशन दी है उसमें आप पास हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तुला राशि वालों के लिए शनि बकरी होने का फल अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए भी शनि का जो है 10-11 के मालिक होते हैं, ऐसी कंडीशन में भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं पराक्रम का सपोर्ट, मेहनत ज़्यादा करेंगे आप सफलता आपको कम मिलेगी, इसलिए आपको जिसको कोड निकला है शनि मंदिर के बाहर बैठते हैं उनको नमकीन चीज़ खिलाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जिसको बैसाखी पर होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं शनि मंदिर के बाहर उनको दान करना है आपको नमकीन चीज़, उससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरा धनुराशि के लिए द्वितीयेश होते हैं शनि, ऐसे में आपको सम फल देंगे, मार्केश का भी फल दे सकते हैं, इससे आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है क्योंकि हनुमान जी ने लंका से आजाद किया था शनिदेव को, तो को उनके ऋणी है, उससे आपको जो मार्केश का दोष भी समाप्त हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश धनेश और मकर राशि स्वामी शनि होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपका रुका हुआ धन, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा, बकरी के समय आपका श्योर है पूरा हो जाएगा 23 मई के बाद, इसमें कोई संदेह आप नहीं समझना। कुंभ राशि वालों के लिए शनि लग्नेश वैश होते हैं और स्वामी शनि होते हैं, शनि की 7:30 चल रही है, तो ऐसे में आपका धीमे धीमे काम होगा, बशर्ते आपको ध्यान नहीं खोना है, आपकी पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। कोई भी चीज लोहे के लिए आप दान करते हैं शनिवार के दिन किसी गरीब के लिए, तो उससे आपको सफलता मिलेगी, शनि आपका बलिष्ठ होगा और 7:30 प्रभाव आपका कम हो जाएगा। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, उनमें शनि की जो स्थिति बनेगी उनमें भी सम फल देगा, मीन राशि वालों के लिए शनि का कहीं ना कहीं जीवन में उतना स्थिति खराब नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा, लेकिन तब भी जो भगवान विष्णु की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करने शनि की आपको प्राप्ति होगी। शनि को लोग क्या है डरते हैं और शनि से जो है लोग
काम करने में कोई कामना डरते रहते हैं, घबराते हैं, ऐसा नहीं है। शनि एक जज है, गॉड है, मजिस्ट्रेट है, उनको सने सने चलने धीमी गति रहती है। एक ढाई वर्ष एक राशि में रहते हैं जिसके कारण उनके गति में विलंबता आती है। इसलिए शनि जी का जो कृपा है आपको दान और यात्रा, निर्माण, बिल्डर कंडीशन का काम होता है, हार्डवेयर होता है, और गाड़ी घोड़ा मकान ट्रांसपोर्टर और इस तरह के जिस तरह के काम होते हैं, इस सारे शनि की ही कृपा से मिलते हैं। विदेश यात्रा है, सात समुद्र पार, तो मैं चाहता हूं कि आप शनि की पूजा करें, शनि को गलत चीज़ों में ना करें, शनि को समझें, शनि को समझें आप और आपको सफलता मिलेगी। शनि आपकी कुंडली में योगकारी है और शनि की जो बकरी का फल होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है। एक होता है बकरी, एक होता है मार्गी। मार्गी का फल जो होता है वो मतलब धीमा, बकरी का मतलब फल होता है उल्टा, जल्दी बात, जल्दी जल्दी किसी काम को करना। तो इसलिए बकरी का जो फल मिलेगा आपको जन्म के समय बकरी शनि आपको अच्छा फल देगा, मार्गी भी जन्म के समय हो तो फिर आपको फल अच्छा नहीं देता है। और कारको भाव, एक व्यक्ति के जो कारक ग्रह होते हैं मकर कुंभ के या तो उसकी मित्र राशि के, उसमें अच्छा फल देते हैं, सफलता मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।